हेलो गाइस, मैं हूं अनुराग झा और आप देख रहे हैं नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस के तीसरे चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे लगे कि ये हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों के बीच एक PDF के रूप में रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के आंसर्स नहीं लिखा है कि आप लोग जो है बाद में इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से बनाकर देखना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस याद हुए। अगर आपके 50% से कम अगर मार्क्स आ रहे हैं पहली बार वीडियो देख कर बनाने में, तो निश्चित तौर से जो है आपको दोबारा वीडियो देखना चाहिए। चलिए देखते रहते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, देखिए अब दोस्तों, और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को हर रोज़ की जो वीडियो की एक ऑडियो फाइल बना के वहाँ ग्रुप में डाल दूँ, ताकि जो है आप लोग उसको अगर हेडफोन लगा के भी कभी सुन लोगे, 2 मिनट 3 मिनट के तो वीडियो होगी, ऑडियो होगी, तो उसको आप लोग सुन लोगे तो निश्चित तौर से याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ठीक है, तो योजना आयोग को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया था और उसके जगह पर क्या लाए थे, नीति आयोग। अब नीति आयोग से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वर्ड हिंदी के लगते हैं नीति, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी जगह यहाँ पे सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, 2012 में, याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1974 से लेकर 1979 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना जो है आपको 1950 में हुई। कब हुई योजना आयोग की स्थापना, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विघटित योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे। तो विघटित योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष थे वो आपके प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से 1966 थी। क्या थी, 1961 से 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, और हो सकता है ना, तो मैं आपके जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके उपाध्यक्ष, उसकी एक लिस्ट बनाकर आप लोगों को एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, योजना आयोग का कौन सा निकाय है, योजना आयोग जो है कौन सा निकाय है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब देखो गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, इसके लिए कोई विशेष आर्टिकल नहीं है, इसे सिर्फ विकास के दृष्टि से एक अलग स्थापित किया गया, इसका संविधान में जिक्र नहीं होता है, वो क्या होता है, गैर संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया। ठीक है, मतलब एक पंचवर्षीय योजना ऐसा भी था जिसमें बहुत सारी योजना थी, इसलिए उसको योजनाएं कहा गया। तो ये कौन सा योजना था, तो आपका डी, 6ठी योजना को क्या कहा गया, योजनाएं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो हमारी नियोजन नियोजन व्यवस्था जो है आपकी लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारधारा पर आधारित है। किस पर, लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारधारा पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको 1950 में हुई। ठीक है, और ये याद रखिए। और यहाँ पर देख लीजिए, एक कभी कभी जो है ना आपको इस तरह से पूछ लेगा कि 1952 में कोई किस संगठन की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्यान रखा गया। ठीक है, समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्यान रखा गया।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्या आंसर होगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नियोजन समिति का गठन किसने किया? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए VBI। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ठीक है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है समाजवादी न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपको पता होगा कि कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल से क्या मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक जो है योजना आयोग का सत्र होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है आपका गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना आप लोगों को पता होगा कि ये जो है आपका 2014 में हुई थी। भारतीय योजना आयोग, देखिए योजना आयोग और भारतीय योजना आयोग में दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग कि योजना आयोग 1952 मत लगा देना। ठीक है, योजना आयोग 1952 में हुआ था, लेकिन भारतीय योजना आयोग 2014, ठीक है, माफ़ कीजिए 2014 में। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस से था? ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन का जो है हरित क्रांति से संबंध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर जो आप लोग नीचे जाइए कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों अब जो है व्हाट्सएप ग्रुप को निश्चित रूप से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट जो है अब जितनी जल्दी हो सकेगी मैं लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जो हैं मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।